दोस्तों इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपको जिंदगी भर काम आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वेलो इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था। उस धनवान सेठ के पास कहने को सब कुछ था, किसी चीज की भी कोई कमी नहीं थी। उस धनवान सेठ ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए थे। उसने अपने जीवन में कई सारी सफलताएं प्राप्त की थी। वह जिस नगर में भी व्यापार करने जाता, वहां पर भी उसे सफलता मिलना निश्चित था। वह अपने जीवन में कभी भी हारा नहीं था। उसका व्यापार भी खूब जोरों शोरों से चल रहा था। उसके पिता ने उसे ऐसी चार बातें बता रखी थी जिसका वह नियमित पालन किया करता था, और उन्हीं बातों के वजह से उसका जीवन बड़ा ही सुखमय था। ऐसे ही काफी समय बीत गया और अब वह धनवान सेठ काफी बूढ़ा हो चुका था। अब उसे लगने लगा था कि मेरी मृत्यु बहुत ही नजदीक है, मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। और वह जानता था कि उसका बेटा बहुत ही भोला है, बहुत नादान है। उसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है, इसीलिए उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपने बेटे से कहा, बेटा मैंने अपने पिताजी से चार बातें सीखी थी और उन्हीं बातों को मैंने अपने जीवन में उतारा। उन्हीं के अनुसरण के वजह से आज मैं अपने जीवन में इतना सफल हूँ, अपना जीवन सुखमय पूर्वक बिता रहा हूँ। उन्हीं बातों के वजह से आज मैं इतना सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ और साथ ही इतना धनवान हूँ। ना ही जीवन में मुझे कोई बीमारी हुई और ना ही जीवन में मुझे कोई धन की कमी हुई, और तुम देख ही सकते हो कि मैं इस नगर का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। लेकिन आज मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी आगे बढ़ो, तुम मुझसे कहीं ज्यादा नाम कमाओ, तुम और धन कमाओ, लोग तुम्हारे बारे में जाने, तुम्हें पहचाने। क्योंकि हमारा समय तो कुछ और था, पर तुम्हारा आने वाला समय कुछ और ही है। उस धनवान सेठ ने अपने बेटे को अपने और करीब बुलाया और उससे कहने लगा, बेटा आज मैं तुम्हें दुनिया की ऐसी चार महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी, और इसी के कारण आज मैं इतना सफल हूँ। यदि तुमने इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लिया, इनका नियमित तौर पर पालन किया, इनका अनुसरण किया, तो तुम भी अपने जीवन में बहुत धनवान बन जाओगे, अपने जीवन को बहुत सुखमय तौर पर बिताओगे। इन बातों के अनुसरण से ना तो तुम्हारे परिवार में कोई दुख आएगा और ना ही तुम्हारे व्यापार में कभी कोई परेशानी उत्पन्न होगी। इतना कहकर धनवान सेठ अपने बेटे को चार बातें बताना शुरू करता है। वह कहता है, बेटा सबसे पहली बात है काम पर छांव में जाना और छांव में आना। दूसरी बात, अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ रखना। तीसरी बात, हमेशा खाने को मीठा करके खाना। और चौथी बात, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। इतना कहकर वह धनवान सेठ अब निश्चिंत हो चुका था। वह ये जानता था कि उसका बेटा बहुत ही भोला है, वह अपने पिता की बात अवश्य ही मानेगा और इन सभी चार बातों को अपने जीवन में उतारेगा और उनका अनुसरण भी करेगा। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए और एक दिन धनवान सेठ मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पिता के मृत्यु के बाद उस धनवान सेठ के बेटे ने उन सभी चार बातों को एक कागज पर लिख लिया ताकि वह उन्हें भूल ना जाए, और उन्हीं बातों को वह अपने जीवन में उतारने लगा, उन चार बातों का अनुसरण करने लगा। सबसे पहली बात जो उसके पिता ने उससे कही थी, छांव में जाना और छांव में आना, तो उसने अपने घर से लेकर अपनी दुकान तक पूरे रास्ते पर तंबू लगा दिया, क्योंकि उसके पास पैसा तो बहुत था और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। जब भी कोई उससे पूछता कि आखिर तुमने पूरे रास्ते तंबू क्यों लगवाए, तो वह उसके जवाब में बस इतना ही कहता कि मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसा ही करने को कहा है। इसके बाद उसने अपने पिता की दूसरी बात का अनुसरण किया। उसने अपने घर के दोनों तरफ चमड़े की एक दीवार खड़ी कर दी। इसे देखकर आसपास के लोग बहुत क्रोधित हो गए। वे लोग उससे झगड़ा करने पर भी उतर आए। कई लोग उससे कहने लगे, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, चमड़े की दीवार तुमने क्यों खड़ी करवा दी, चमड़े से बहुत बदबू आती है और इससे हमें तकलीफ होती है, इस चमड़े की दीवार को आज ही निकलवा दो। लेकिन उस लड़के ने ऐसा नहीं किया और कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था, इसीलिए कोई भी व्यक्ति उसका ज्यादा समय तक विरोध ना कर सका। और उसने भी मन बना लिया था कि वह अपने पिता की सारी बातों को पूरे दिल से मानेगा। उसके पिता ने उससे तीसरी बात कही थी, खाने को मीठा करके खाना, जिस कारण वह रोज अपनी पत्नी से खाने में कुछ मीठा ही बनवाता था, कभी सेवई
कभी हलवा, कभी मिठाइयाँ, हमेशा यही सब खाता रहता। और उसके पिता ने उससे चौथी बात कही थी, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, जिस कारण वो रोज अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और देखते ही देखते अब वो सेठ के बेटे का जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा था, क्योंकि उसने अपने पिता के सारी बातों का गलत मतलब निकाला था और वह उसी के अनुसार उनका पालन कर रहा था। देखते देखते उसका उतना बड़ा व्यापार अब ठप होने लगा था। उसके यहाँ पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगी थी, क्योंकि जब उसका मन करता तब वह दुकान जाया करता और जब उसका मन करता तब वह दुकान से वापस घर लौट आता। उसका अपने पिताजी के इस कारोबार में मन नहीं लगता था, इस कारण उसके पिता के सारे ग्राहक अब उससे नाराज होने लगे थे। उसके सारे ग्राहक अब एक एक करके उसके दुकान को छोड़ते चले जा रहे थे। इस तरह उसका पूरा व्यापार अब ठप हो चुका था, जिस व्यापार को खड़ा करने के लिए उसके पिता ने खून पसीना एक कर दिया था, उस व्यापार को उसने कुछ ही महीनों में पूरी तरह डुबा दिया था। अब उसका धंधा बहुत कम हो चुका था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहता था, वह बहुत चिंतित रहता था। और इसके साथ ही उसने अपने घर के चारों तरफ चमड़े की एक दीवार खड़ी करवाई थी, उस कारण घर में और घर के आसपास में बहुत गंदी बदबू फैल चुकी थी। इसीलिए जो भी उसके आसपास रहते थे उन सभी ने वह इलाका छोड़कर कहीं और पर अपना बसेरा बसा लिया। चमड़े की बदबू के कारण अब उसके घर में भी कोई मिलने नहीं आता था, यहाँ तक कि उसके मित्र और रिश्तेदार भी उसके घर में आने से कतराते थे। लेकिन अब भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। वह बहुत परेशान रहने लगा था और वह हमेशा मीठा भोजन किया करता था, जिस कारण उसका वजन बहुत बढ़ चुका था। और इस मोटापे के कारण ना जाने उसके शरीर में कितनी सारी बीमारियों ने अपना घर बना लिया था। आए दिन उसके घर पर वेद आने लगे थे। इन्हीं कारणों से अब उसका पैसा भी इन्हीं चीजों में बर्बाद होने लगा था। और अपने पिता की चौथी बात उसने मानी थी, वह थी अपनी पत्नी को बांध कर रखना, जिसके वजह से उसकी पत्नी उससे नाराज हो गई और वह घर छोड़कर अपने मायके लौट गई। उसने अपने पत्नी को मनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। और वैसे भी कोई भी स्त्री ऐसे मर्द के साथ क्यों रहना पसंद करेगी, जो उसे बेवजह ही बेबात पर बांध कर रखता हो। देखते देखते अब वह सेठ के बेटे का जीवन पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। ना तो अब उसके पास व्यापार बचा था, ना ही धन, ना ही उसकी पत्नी और ना ही उसके रिश्तेदार, जो पैसों के लिए उसके आसपास घूमा करते थे। और तो और अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, जिस कारण वह बहुत चिंतित रहने लगा था। उसे ये सब समझ में ही नहीं आ रहा था, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब वह मन ही मन अपने पिताजी को कोसने लगता, मन ही मन कहता, पिताजी आपने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, आपकी उन चार बातों के कारण आज मेरा जीवन में सब कुछ छिन चुका है। ना तो मेरे पास व्यापार रहा, ना ही धन दौलत, ना ही वह रिश्तेदार और ना ही मेरी पत्नी, और यहाँ तक कि मेरे स्वास्थ्य ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। आप ही के कारण आज मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। यदि मैंने आपकी चार बातों को अपने जीवन में ना उतारा होता तो मैं आज एक सुखमय जीवन बिता रहा होता। आपकी इन चार बातों पर चलकर आखिर मुझे क्या मिला। मैंने एक आज्ञाकारी बेटे की तरह आपकी सारी बातें मानी, उन पर अमल किया, जीवन में पूर्णतः उनका अनुसरण किया। लेकिन मैं ही मूर्ख था जो मैंने आपकी उन बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया। धनवान सेठ का बेटा ये सारी बातें सोच सोच कर फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे पता चला कि पास के एक गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं और वह बौद्ध भिक्षु सभी की समस्याओं का हल बताते हैं। जीवन में चाहे किसी को भी कैसी भी समस्या हो, वह बौद्ध भिक्षु उन समस्याओं का निवारण अवश्य ही करते हैं। यह सुनकर धनवान सेठ के बेटे ने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार बौद्ध भिक्षु से मिलकर आता हूँ, हो सकता है मेरी भी समस्याओं का समाधान मिल जाए। इस आशा के साथ वह लड़का बौद्ध भिक्षु के पास पहुँचा। वहाँ पहुँचकर सीधा उनके चरणों में जा गिरा और जोर जोर से रोने लगा। वह कहने लगा, हे गुरुवर, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरे पिताजी ने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद करके रख दिया। आज मेरे जीवन में जो भी स्थिति है वो सब मेरे पिता के कारण ही है। मेरे पिताजी ने मुझसे जैसा ही कहा मैंने अपने जीवन में वैसा ही किया, हमेशा एक अच्छे बेटे की तरह उनकी सारी बातें मानी, अपने सारे फर्ज निभाए। और देखिए गुरुवर, मेरे पिताजी ने मेरे साथ क्या किया। मरते मरते भी वो मुझे गलत बात सिखा गए और उसका खामियाजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। मेरा तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया।
मैं अब तक ये नहीं समझ पाया कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या मैंने उनके साथ कुछ गलत किया था। इतना कहकर वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु के सामने और जोर जोर से रोने लगा। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा चुप हो जाओ, पहले मुझे तुम अपनी सारी बात तो बताओ, आखिर तुमने क्या गलती की है, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो, तुम्हारी इस परेशानी का क्या कारण है, मुझे विस्तार से बताओ। उन बौद्ध भिक्षु की ये बातें सुनकर उस सेठ के बेटे ने उस पर्ची को बौद्ध भिक्षु के हाथ में दे दी जो उसने अपने पिता के मृत्यु के बाद लिख रखी थी, जिसमें उसने अपने पिता की चारों बातें लिखी थी। बौद्ध भिक्षु ने उसके हाथ से पर्ची लिया और उसे पढ़ने लगे, और उन्होंने जैसे ही वह पर्ची पूरी पढ़ी तो वह जोर जोर से हंसने लगे, और वह उस सेठ के बेटे से कहते हैं, तुम कितने बड़े मूर्ख हो, तुम्हारे पिता ने तो दुनिया का सारा ज्ञान दे दिया लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए, तुम उसका सही तरह से पालन नहीं कर पाए, और कहते हो तुम्हारे पिता ने तुम्हें गलत राह दिखाई है, तुमने गलत संदेश दिया है। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम उनकी बातों को समझ पाते हो या नहीं, यदि वो चाहते तो तुम्हें इन चारों बातों का सही मतलब अच्छी तरह बता सकते थे, लेकिन वह चाहते थे कि तुम इन बातों का मतलब जीवन में खुद से जानो, खुद से समझो कि इन बातों का क्या अर्थ है। लेकिन अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा, जिसके पास दुनिया का इतना बड़ा ज्ञान हो वह भला इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकता है, तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, तुमने कोई भी ज्ञान अर्जित ही नहीं किया। अगर तुम इन बातों का सही मतलब समझ चुके होते तो तुम भी अपने जीवन में अपने पिता की तरह ही सफल होते, खुश होते और तुम्हारा जीवन सुखमय तरीके से बीत रहा होता। अगर तुम्हें अपने पिता की इन चार बातों का मतलब समझ में नहीं आ रहा था तो तुम किसी ज्ञानी व्यक्ति से पूछ सकते थे, तुम ऐसा करके भी अपने पिता की इन बातों का मतलब निकाल लेते, लेकिन जैसा तुमने अपने पिता की इन बातों को समझा है इसका मतलब वैसा नहीं है। इस पर वह धनवान सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस पर गुरुवर एक बार फिर से मुस्कुराने लगे और उस सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा तुमने ये बातें जो इस पर्ची में लिखी है, इन बातों के पीछे एक गहरा अर्थ है जिसे तुम समझ नहीं पाए, इसी कारणवश तुमने यह मूर्खता कर दी और इसी कारणवश तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। लेकिन बेटा अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी तुम्हारे पास बहुत समय है, यदि तुम चाहो तो एक बार फिर से मेहनत करके अपने जीवन में वह समृद्धि व खुशहाली प्राप्त कर सकते हो। इस पर वह सेठ का बेटा कहता है, ठीक है गुरुवर, कृपा करके मेरे पिता के इन चार बातों का मतलब समझाइए, आखिर इन चार बातों का क्या अर्थ है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस सेठ के बेटे को कहते हैं, तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा था काम पर छांव में जाना और छांव में आना, इसका मतलब यह है कि तुम सूर्य निकलने से पहले ही अपनी दुकान पर पहुंच जाना और सूर्यास्त होने के बाद ही तुम वापस घर आना, जिससे तुम्हें अपने व्यवसाय में, अपनी दुकान में अधिक से अधिक समय मिल पाएगा, इससे तुम अपने काम को अच्छी तरह समझ पाओगे, उस काम को अच्छी तरह से कर पाओगे, इससे तुम अपने काम को बढ़ाने में अपना दिमाग लगा पाओगे और आखिरकार तुम अपने काम में तरक्की कर पाओगे। लेकिन तुमने तो इसका गलत ही मतलब निकाल लिया, तुमने तो अपने घर से लेकर अपनी दुकान तक तंबू लगा दिया ताकि तुम छांव में जा सको और छांव में आ सको। अब तुम ही बताओ बेटा, क्या तुमने अपने पिता के इस पहली बात का सही मतलब समझा था। यह सुनकर वह सेठ का बेटा जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे गुरुवर, मेरी ही गलती थी, कृपा करके बाकी के तीन बातों का भी मुझे मतलब बता दीजिए। बौद्ध भिक्षु दूसरी बात का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, चमड़े की बाड़ करवाना इसका अर्थ ये है कि तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालना, जब तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पाल लोगे तो यह तुम्हारे घर को चारों तरफ से रक्षा करेगा, जिससे तुम्हारी धन दौलत चोरों से सुरक्षित रहेगी और तुम बेफिक्र होकर दुकान पर मन लगा सकोगे, बेफिक्र होकर दुकान के काम को समझ सकोगे और तरक्की कर पाओगे, और तुम्हारे मन में कभी ये डर नहीं होगा कि कोई चोर आकर मेरी संपत्ति चुरा ले। लेकिन तुमने चमड़े की बार का मतलब कुछ और ही निकाल लिया, तुमने तो अपने घर के चारों दीवारों में चमड़ा लगा दिया जिस कारण आसपास गंदी बदबू फैल गई, तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी इसी कारण वह जगह छोड़कर कहीं और चले गए, यहाँ तक के तुम्हारे मित्र और तुम्हारे सगे संबंधी भी तुम्हारे घर पर आने से कतराने लगे, और इसी कारण तुम्हारे घर पर ना कोई आता है और ना ही कोई जाता है।
ये सारी बातें सुनकर वह लड़का कहता है, हे गुरुवर, मैं आपकी बातें समझ गया हूँ। गुरुवर, क्या खाने को मीठा करके खाना, इस बात का मतलब भी मैंने गलत निकाला है। मैंने अपने पिता के कहे अनुसार हर रोज मीठा खाया और आज देखिए मेरा वजन कितना बढ़ चुका है और जिस कारण मुझे अनेक प्रकार की बीमारियों ने घेर रखा है। क्या मैं इस बात को भी गलत समझ रहा था? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस सेठ के बेटे से कहते हैं, हाँ बेटा, तुमने इस बात का भी गलत मतलब ही निकाला है। खाने को मीठा करके खाने का अर्थ ये है कि जब भी तुम्हें भूख तेजी से लगे तभी तुम्हें भोजन करना है, ना उससे पहले ना उससे बाद। अन्यथा अगर तुम्हें भूख ना लगी होगी और तुम्हें भोजन मिल जाए तो तुम उस भोजन की कभी कदर नहीं करोगे। वह रोटी तुम्हें कभी मीठी नहीं लगेगी, फिर चाहे वह भोजन कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना हो, चाहे भोजन कितना भी लाजवाब क्यों ना हो, तुम उसकी कदर कभी नहीं कर पाओगे। किंतु जब एक व्यक्ति को जोरों की भूख लगी होती है तो उसके सामने अगर तुम सूखी रोटी भी रख दो तो भी उसके लिए वह खाना किसी अमृत से कम नहीं है। वह उसे प्रेम पूर्वक खाता है, उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है और वह रोटी उसे मीठी लगती है। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने यह कहा था कि अपने भोजन को मीठा करके खाना, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति को भूख लगी होती है और उस समय पर जब वह भोजन करता है तो वह खाना उसके लिए एक अमृत समान होता है, और वहीं पर जब एक व्यक्ति को भूख ना लगी हो और जब ऐसे समय में वह भोजन करता है तो वह भोजन उसके लिए विष समान है, वह भोजन उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। बेटा, तुम कितने बड़े मूर्ख हो, तुमने इस बात का क्या मतलब निकाला कि खाने को मीठा करके खाना है और हर समय मीठा खाने लगे, जिससे तुम्हारा वजन अत्यधिक बढ़ चुका है। इसीलिए बेटा, आज से जब भी तुम्हें जोरों की भूख लगे तभी भोजन करना, ऐसा करना तुम्हारे लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा और तुम्हारे मोटापे को कम करने के साथ ही तुम्हारे शरीर को हमेशा निरोगी बनाने में मदद करेगा। और जब भी तुम्हें भोजन की आवश्यकता ना हो और तुम्हें भूख ना लगी हो, ऐसे समय पर भोजन बिल्कुल मत करना। अगर तुम ऐसे समय में भोजन करते हो तो यह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा। आगे बौद्ध भिक्षु उस सेठ के बेटे को बताते हुए कहते हैं, तुमने अपने पिता की चौथी बात का कितनी मूर्खता पूर्वक मतलब निकाला। अपनी पत्नी को रोज रस्सी से बांध कर रखते थे। अपनी पत्नी को बांध कर रखने का अर्थ ये है कि जब भी तुम दोनों के बीच में कोई आपसी मतभेद हो जाए, कुछ नोकझोंक हो जाए, तो तुम अपनी पत्नी पर हाथ मत छोड़ना। जब तक एक स्त्री का पति उसके साथ रिश्ते में बंधा होता है तो वह अपने रिश्तों में बंध जाती है और वह अपने रिश्ते को निभाने का हर मुमकिन तरीका अपनाती है। और ऐसे समय पर अगर तुम्हारे बीच कोई नोकझोंक हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, और ऐसे समय पर तुम अपनी पत्नी का हाथ नहीं छोड़ते, उसका पूरा साथ निभाते हो, तो वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। तुम्हारे पिताजी को पता था कि उनके जाने के बाद तुम्हारा साथ तुम्हारी पत्नी ही निभाएगी, इसीलिए उन्होंने कहा है कि अपनी पत्नी को प्यार से बांध कर रखना। और तुमने उसका क्या मतलब निकाला कि अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखा। तुम्हारे पिता तुमसे यह कहना चाहते थे कि तुम अपनी पत्नी का साथ निभाओ, उसे पति पत्नी के रिश्तों में प्यार से बांध कर रखो। अपने रिश्तों को हमेशा बांध कर रखना, उन्हें कभी खुला मत छोड़ना, अन्यथा वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। और हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में यही गलतियां करते हैं और अपने नए रिश्तों को कभी समय नहीं देते, जिससे रिश्ते बहुत जल्द टूट जाते हैं, जिस कारण उनका रिश्ता बहुत मजबूत नहीं हो पाता और इसी कारण वह अपने रिश्तों से हाथ धो बैठते हैं। और यही गलती तुमने भी की। तुमने तो अपनी पत्नी को बांध कर रखा था, तो भला वह तुम्हें कैसे माफ कर सकती है? और यही कारण है तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई। तुमने जो अपने पत्नी के साथ किया वह माफी के लायक नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने उसके साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। इसीलिए अपने पत्नी के पास जाओ और उससे माफी मांगो, उसे मनाओ और अपने घर वापस ले आओ। इसी काम से अपने जीवन की नई शुरुआत करो। अब वह धनवान सेठ का लड़का उन बौद्ध भिक्षु की बातों को पूरी तरह समझ चुका था। उसके पिता उससे क्या कहना चाहते थे, अब उसे वह सारी बातें समझ में आ गई थी। दोस्तों, जीवन की यही चार बातें हमारे जीवन की परेशानियों का समाधान है। यदि तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी ही होगी। सूर्य निकलने से पहले तुम्हें अपने काम पर जाना होगा और हमेशा सूर्य के ढलने के बाद ही तुम्हें अपने घर वापस लौटना होगा, ताकि धन दौलत को तुमसे कोई छीन ना ले। तुम्हें अपने रिश्तों को समझदारी से बांधना होगा
ताकि वह रिश्ते तुम्हें अपने काम में परेशान ना कर सकें, और हमेशा एक स्वस्थ भोजन करना, जब तुम्हें भूख लगे तभी भोजन करना, इससे तुम्हें स्वास्थ्य के लिए कोई भी परेशानी जीवन भर नहीं होने वाली है। और आखिर में अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालना, इससे हमारे घर में सुरक्षा के साथ साथ हमारा दिल भी बहल जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं आज की कहानी आपके लिए प्रेरणादायक रही होगी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।